आरपी रतूड़ी जी के पास मैं आता हूँ। रतूड़ी साहब, आप लोग कहते रहे हैं कि विधानसभा जब चुनाव हो रहा था कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, पूर्ण बहुमत वाली सरकार आ रही है, मामला पलट गया, आप लोग विपक्ष में बैठ गए। चंपावत में आप लोगों का मतलब कांग्रेस पार्टी की पकड़ कितनी है, जिसके आधार पर आप लोग कह रहे हैं कि जितने नहीं देंगे सीएम धामी को? देखिए गौरी शंकर जी, कांग्रेस की पकड़ खटीमा में भी थी। हाँ, कुछ हमारे वन कापड़ी ने अपनी ताकत दिखाई, चेहरा वही था, उस चेहरे में आज कोई बड़े हीरे नहीं जड़े हैं। कार्यों के आधार पर खटीमा की जनता ने नकारा, भले प्रदेश में वो चुनाव जीते हैं, लेकिन उस चेहरे को, जिस चेहरे के आधार पर वो चुनाव लड़ रहे थे, उसको लोगों ने नकारा है। और खटीमा से लगा हुआ चंपावत है, निश्चित तौर पर वहां की जनता जानती है कि पिछले 5 सालों में विधायक के रूप में, क्योंकि 6 महीने रहे हो मुख्यमंत्री, लेकिन उससे पहले वो विधायक रहे 2 बार, तो इसका मतलब वहां के लोगों ने नकारा होगा, देखा होगा कि काम नहीं किया है। तो वहां की जनता जब देख रही थी, जब ये अभी मैं सादात संत साहब के बड़बोलेपन को देख रहा था, अरे इतना बड़बोलापन लोकतंत्र में कहीं होता है? नहीं, वो कह रहे थे आप लोगों की जमानत जब्त हो जाएगी। अरे मैंने कहा नहीं कि बड़बोलेपन का ये नहीं, नहीं ठीक है, उनका बड़बोलापन उनको रहने दीजिए। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए कि आधार क्या है, मतलब कैसे आप लोग कह रहे हैं कि चंपावत में हम लोग मजबूत हैं? पिछली बार चंपावत, गौरी शंकर जी, हम चंपावत में जो पिछला चुनाव भी था, हम बहुत बड़े अंतराल से नहीं हारे। निश्चित तौर पर हमारी वहां लड़ाई और मजबूत होगी। हमारे जो भी प्रत्याशी आएगा उसके पीछे पूरी फोकस, पूरी ताकत लगेगी, संगठन की ताकत लगेगी। और जो इन 1 महीने में आपने जो कहा था कि सत्ता के, हम जैसे 1 महीने में बेरोजगारी पर 20,000 हम रोजगार को खोलने का काम करेंगे, तो ये उत्तराखंड की जनता है, देख रही है कि कितने रोजगार आपने तो जो एजेंडे में भी नहीं था वहां से कैबिनेट की शुरुआत की। लेकिन समय बदल गया ना रतूड़ी साहब, समय बदल गया ना, बीजेपी की सरकार बन चुकी है, सीएम धामी, सीएम धामी सीएम बन है ना, सीएम पुष्कर सिंह धामी सीएम बन चुके हैं, समय बदल चुका है। और मुझे जहां तक पता है, इतने सालों से मैं भी देख रहा हूं कि प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर बन जाता है ऐसे में। ऐसे आप लोग चाह करके भी को उन्होंने काम नहीं किया खटीमा में, खटीमा सटा हुआ चंपावत है, चलेगा नहीं, इसलिए नहीं चलेगा कि प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर यहां बन गया है ना, सब प्रो सीएम धामी फैक्टर बन जाएगा कि उन्हें जिताते हैं, सीएम है बड़ा काम कर देंगे। अरे सुनिए, अगर इतना भय न होता हाँ, तो गैतोड़ी जी के इस्तीफा देने के बाद ही क्या चिंता हो गई थी कि जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी बदल दिया? क्या कारण था? क्या सत्ता का दुरुपयोग करना चाहते हैं या भय है इतना? आखिर क्या वजह थी कि आपने ठीक समय पर, मतलब अभी से आप लोगों ने एक बहाना ढूंढना शुरू कर दिया रतूड़ी साहब, है ना? ये बहाना है कि आप बताएंगे हमें बहाना है? अरे भाई, हम कह रहे हैं कि आप निष्पक्ष थे तो क्यों नहीं उसी, ये तो हर सरकार की जिम्मेदारी होती है ना। चुनाव की तारीख का ऐलान तो हुआ नहीं, चुनाव आचार संहिता नहीं लगा हुआ है, तो सरकार स्वतंत्र है किसी का तबादला करने के लिए किसी। जब गैतोड़ी साहब ने इस्तीफा दिया हाँ, तो आपको क्या जरूरत थी? तो चुनाव आचार संहिता लगा हुआ है क्या वहाँ पर रतूड़ी साहब? कोड ऑफ कंडक्ट है वहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से लगाया गया है क्या? नहीं लगा ना अभी, तो फिर ये तो असंवैधानिक बात क्यों कर रहे हैं? तो आप सफाई दे रहे हैं, मैं तो ये सफाई मेरे अच्छे मित्र है गोयल साहब, वो देंगे ना, आप तो बड़ी सफाई उनकी तरफ से दे रहे हैं। ये आरोप मेरा सरकार पे है, आप एंकर पूछू, नहीं पूछूंगा मैं गोयल साहब से पूछूंगा, लेकिन मैं संवैधानिक बात कर रहा हूँ, मैं संवैधानिक बात कर रहा हूँ कि अगर चुनाव आचार संहिता नहीं लगा हुआ है, चुनाव आयोग की तरफ से तारीख का ऐलान नहीं है, तो फिर सरकार किसी की भी हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की हो, पूरी तरह से स्वतंत्र है अधिकारियों का फिर बदल करने के लिए। फिर भी पूछ लूंगा विनय गोयल जी, फिर भी पूछ लूंगा क्यों किया आपने ऐसा, लेकिन प्रदेश प्रवक्ता इस वक्त, अरे क्या उत्तराखंड के सभी जिला अधिकारियों को बदला गया? एक लिस्ट निकली चंपावत और नैनीताल के, क्यों बदल दिया? दो जिला अधिकारियों को बदलने से
अच्छा, सुनिए रतुड़ी साहब, एक छोटा सा मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप लोग वहां किनको खड़ा करने वाले हैं, किनको टिकट देंगे? ये काम मेरे हाईकमान का है, मेरे प्रदेश अध्यक्ष का है। जिसे लाएंगे वो भुवन कापड़ी की तरह ही होगा मजबूत। वो धानी साहब के सामने भुवन कापड़ी जैसा होगा, वो कमजोर नहीं होगा। मतलब किसी तरह से सीएम धामी को हराने की रणनीति पर आप लोग काम करेंगे, है ना? नहीं, निश्चित लोकतंत्र व्यवस्था है, धामी से नहीं। चलिए ठीक है।